ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मीठे होते हैं और खट्टे भी। अगर आप भी खाना चाहते हो तो आ जाओ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज से मैंने भी सोचा है कि मैं भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ। मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी वीडियो में कुछ नहीं है, सिर्फ अपने यादें ताज़ा करने के लिए मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसे देखना, इस वीडियो में फालतू अपना वक्त बर्बाद ना करें। गाइस थोड़ा मैं टेंशन में हूँ, पता नहीं कैसे यार वक्त ज़्यादा निकल गया है, बहुत सारी टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है यार कि वक्त बहुत ज़्यादा निकल गया है, मैं पीछे रह गया हूँ वगैरह वगैरह, बहुत ख्याल चलते हैं यार मेरे मन में, बहुत दुखी महसूस करता हूँ यार। गाइस मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ पता नहीं। एक साल पहले मैंने सोचा था ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, अभी तक वहीं का वहीं हूँ यार, बहुत टेंशन में हूँ। मैं अपने ब्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो शायद किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई है। मैं पश्चिम राजस्थान के हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु के बारे में बताऊंगा। शायद ऐसे जीव जंतु, ऐसे पेड़ पौधे शायद आपने कहीं नहीं देखे होंगे। गाइस आज सिर्फ मैं एक पौधे के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस आज सिर्फ मैं एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ, उसके अंदर कैसे फ्रूट आते हैं, क्या है उसका, मारवाड़ी में क्या कहते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। तभी तक वीडियो के लिए वीडियो पर बने रहे। गाइस ये है बेर का वृक्ष जिस पर बोर आते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, मीठे होते हैं और खट्टे भी। अगर आप भी खाना चाहते हो तो आ जाओ। गाइस तो मैं जा रहा हूँ अपने खेत, मैं वीडियो में किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो कैसे ब्लॉग बनाता है, उसकी तरह ब्लॉग बनाऊँ, मुझे नहीं पता, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, हमारे खेत में जगह जगह पर ऐसे बोड़ी के वृक्ष हैं, आप देख सकते हैं, और भी बताने वाला हूँ, वीडियो तक बने रहे। ये देख सकते हैं हर प्रकार के हैं, छोटे बड़े उससे भी बड़े, जिस पर अलग अलग प्रकार के अलग अलग किस्म के बेर आते हैं। ये देख सकते हैं, इसे गाइस बोड़ी बोलते हैं, इसमें हर प्रकार के फ्रूट आते हैं, कोई किसी पर बड़े किसी पर छोटे, किसी पर मीठे किसी पर ज़्यादा खट्टे, अलग अलग प्रकार के आते हैं, अलग अलग किस्म के, आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं सुओं के घर, सुए द्वारा बनाए गए हैं। ये जगह जगह पर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। गाइज मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, आप लोग सपोर्ट करना मेरा, क्यों फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, फिर भी बनाने की धीरे 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 प्रयत्न करूँगा और नई नई भी आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। हर जगह आप देख लेना है अलग अलग प्रकार की, ये देख लो, इस पर छोटे छोटे कांटे भी लगे हुए, देख लो आप, इस पर कांटे भी हैं, कांटे। इसके पान है बकरी के खाने के लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं। इस बोर के अंदर एक गुटली भी आती है, आप देख सकते हैं इस प्रकार है। किस पर तो बहुत ज़्यादा बोर आ गए और किसी पर तो अभी तक आए नहीं, देख सकते आप, ये छोटे छोटे हैं। गाइस ये देख सकते हैं हमारा खेत, सूर्यास्त होने का वक्त हो गया है।
फाइनली गाइज हम पूरे अपने खेत के अंदर घूम चुके हैं, हम जा रहे हैं अब घर। गाइज इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग कर रहा हूँ, ऐसी वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।